हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी की वो यूनिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआई सिस्टम है, उसके अंदर कौन सी ड्रग है जो यूज़ में आती है और क्या क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको क्लास के बाद में इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा और आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 4th। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 4th, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। आज की इस क्लास के अंदर मोस्टली हम लोग वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि जीआई सिस्टम के अंदर काम में ली जाती है। उसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमेटिक्स। कौन कौन सी ड्रग्स होती है, क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्या इसका यूज़ आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इमेटिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसी ड्रग्स और सब्सटेंसेज होते हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेज और ड्रग्स दैट इंड्यूस वॉमिटिंग। ऐसी ड्रग्स होती है जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है। अब वो कैसे इंड्यूस करती है, कैसे प्रोड्यूस करती है, वो हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर देखेंगे। यहाँ पर अपने को इतना पता होना चाहिए कि इमेटिक्स वो ड्रग्स होती है, वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। अब आता ये कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इसको इंड्यूस करवाने के लिए, कौन कौन सी ड्रग्स होती है, क्या इसका क्लासिफिकेशन होता है, वो हम लोग अब इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहला इसका टाइप्स होता है। टाइप्स में अगर बात करें तो सबसे पहले इसका टाइप होगा क्लासिफिकेशन के अंदर, मोस्टली इसके दो टाइप्स के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन CTZ सेंटर। अब ये CTZ सेंटर क्या होता है वो भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ड्रग्स एक्टिंग ऑन CTZ सेंटर, इसके अंदर हम मोस्टली दो ड्रग्स को पढ़ेंगे। एक तो आती है इसके अंदर एपोमॉर्फिन, ठीक है। दूसरी आती है इसके अंदर एपोमॉर्फिन के अलावा इपिकॉक। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो हो गया इपिकॉक। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है इसका वो होगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन स्टमक। ऐसी ड्रग जो कि स्टमक पे डायरेक्ट एक्ट करती है, जैसे हाइपरटॉनिक सेलाइन हो गया, मस्टर्ड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, तो ये वो ड्रग्स होती है जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करने के काम में आती है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन CTZ सेंटर। अब CTZ सेंटर क्या होता है, अपने ब्रेन के अंदर एक नर्वस सिस्टम के अंदर CTZ सेंटर होता है। अगर ये स्टिमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो जैसे एसिटाइल कोलिन वगैरह हो गया, हिस्टामिन्स हो गए, वो रिलीज होते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट होते ही क्या होती है, वोमिटिंग है वो इंड्यूस हो जाती है। अब अगर बात करें जैसे कि वोमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर है ना एंटी एमेटिक्स यूज में ली जाती है, यानी वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जबकि इमेटिक्स वो ड्रग्स होती है जो कि वोमिटिंग को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इन केसेस जैसे पॉइजन के केस होते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या करवाना होता है, वोमिटिंग इंड्यूस करवाना होता है। तो जो CTZ सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करवाना होता है, जो कि इन ड्रग्स से हम लोग इंड्यूस करवा सकते हैं, एपोमॉर्फिन हो गया और इपिकॉक हो गया, ठीक है। तो ये वो ड्रग्स होती है जो कि काम में ली जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर भी यही होता है कि ये CTZ सेंटर को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और इससे वोमिटिंग है वो इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब आता है इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर यही होता है। इंडिकेशंस के अंदर मैंने बताई दिया कि मोस्टली पॉइजन के कंडीशन के अंदर वोमिटिंग को इंड्यूस करवाने के काम में ली जाती है।
नेक्स्ट आता है इसके बाद इसकी डोज क्या होती है। एपोमॉर्फिन की अगर डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 2 to 4 mg। इपिका की अगर हम लोग डोज की बात करें 2 to 4 एपोमॉर्फिन की अगर बात करें तो इसकी डोज होती है 2 to 8 mg, या तो सबक्यूटेनियस हो सकता है या IM हो सकता है, सबक्यूटेनियस या इंट्रा मस्कुलर। वहीं अगर बात करें इपिका की तो इसकी डोज होगी 10 to 30 mg, 10 to 30। ये तो किसके अंदर होगी, चिल्ड्रंस के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, चिल्ड 10 to 30 mg होगी, सॉरी 10 to 30 mg होगी वो होगी एडल्ट के अंदर, ml एडल्ट के अंदर होगी। वहीं अगर चिल्ड्रंस की बात करें, अगर एडल्ट्स की बात करें तो 10 to 30 ml ओरली होगा, वहीं अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो इसका 10 to 15 ml चिल्ड्रंस के अंदर होगा। ठीक है, तो ये इसकी डोज होती है एडल्ट के अंदर 10 to 30 ml, और वहीं बात करें अगर चिल्ड्रंस की तो 10 to 15 ml। इसका जो रूट होता है वो होता है ओरली, ओरली। ठीक है, अब आता है इसके बाद इसके कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जब हम लोग ये ड्रग्स है वो नहीं दे सकते। जैसे हाइपरसेंसिटिविटी हो किसी पर्टिकुलर ड्रग से, जैसे हाइपरसेंसिटिविटी एपोमॉर्फिन से अगर हाइपरसेंसिटिविटी हो, इपिकाक से अगर हाइपरसेंसिटिविटी हो तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग ये ड्रग नहीं देते हैं। वहीं अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, प्रेगनेंसी हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, डिहाइड्रेशन हो, उस कंडीशन के अंदर हम लोग ये जो ड्रग है वो अवॉइड करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो कि हर एक डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। वहीं अगर बात करें जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है इसके अंदर, स्लिपनेस हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं इस ड्रग के लेने से। तो ये आज की क्लास थी जो कि इमेटिक्स देखी हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी इमेटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आने वाली क्लास के अंदर। क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर ऐड होइएगा। इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करना चाहते हैं अभी से कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। क्लास कैसी लगी उसका रिव्यू लिखना ज़रूर और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर करिएगा। कौन से सब्जेक्ट का, नर्सिंग के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक अगर आपको डिस्कस करना हो, पढ़ना हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।